अगर आप केनरा बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और आपका अकाउंट जो है केनरा बैंक में है, तो आज हम आपको बताएंगे कि केनरा बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो जुलाई महीने में नई ब्याज दरें होंगी वो क्या होंगी, और कौन से ऐसे स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान होंगे जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में तो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी समझदारी दिखाकर आप एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं। वो कैसे, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप, मैं हूँ आपका होस्टर दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने केनरा बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। सो जैसे ही मैं नीचे आऊँगा, नीचे आने के बाद आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने एक नया वेब पेज खुल के आ गया। जी देखिए, डिपॉजिट अकाउंट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ, सबसे पहले आप देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं वो हैं जी 11/6/2024, यानी कि 11 जून 2024 को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं। सो जुलाई महीने में भी आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे जी। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, अगर हम बात करें 7 से 45 दिन के लिए, 46 से 90 दिनों के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए 4.00%। सीनियर सिटीजन्स पे भी 4.00%, सीनियर सिटीजन्स पे 5.25% मिलेगा जी 46 से 90 दिनों के लिए, और जर्नल पे भी 5.25% ही मिलेगा। अगर हम कम से कम 180 दिनों के लिए बात करें, यानी 6 महीने के लिए, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए जर्नल पे 6.15% रहेगा जी, सीनियर सिटीजन्स पे 6.65% रहेगा जी। उसी तरह से अगर मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आने के बाद अगर हम बात करें मोस्ट पॉपुलर एफडी जो कि है एक साल की, तो एक साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा जी 6.85%। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स पे 7.35%। बाकी दोस्तों, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाने की सोच ही रहे हैं तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा 444 डे स्पेशल एफडी प्लान इन केनरा बैंक। वो क्यों, क्योंकि आप देख ही सकते हैं अगर मैं बात करूं 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको जर्नल पे ही, और उसी तरह से सीनियर सिटीजन्स की बात करें अगर, तो 7.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है जी। अगर आप एन्युअली इंटरेस्ट चाहते हैं तो देखिए 7.98% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, यानी कि नियर अबाउट 8% तक का रिटर्न आपको मिल रहा है जी। अगर हम लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट्स की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 2 से 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। उसी तरह से 3 से 5 साल के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जर्नल पे 6.80%, सीनियर सिटीजन पे 7.30%। बाकी 5 से 10 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखिए जी 6.70% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन पे 7.20%। सो दोस्तों, हम बात करेंगे जी 444 डे स्पेशल एफडी प्लान की। अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए एनुअली इंटरेस्ट आप चाहते हैं तो 7.98% तक आपको मिल जाएगा। सो अगर आप एनुअली नहीं चाहते, क्वार्टरली चाहते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25% जर्नल पे, 7.75% सीनियर सिटीजन पे। तो मैं सीधा ही आपको कैलकुलेटर के ऊपर लेकर चलता हूं और आगे का प्रोसेस कैलकुलेशन करने के बाद फिर बताता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, अगर हम शुरुआत करें 1 लाख रुपए से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25%, जो टाइम पीरियड होगा वो होगा हमारा दिनों में 444 डेज, और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हम करेंगे जी क्वार्टरली। तो देखिए जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं, आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है कितनी बन के आ गई, 1,09,133 रुपए, यानी 9,133 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर मैं 7.75% के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो देखिए फ्रेंड्स, 1,987 रुपए जो हैं वो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी, यानी 9,787 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे।
ये तो रही बात 1 लाख रुपए की, उसी तरह से अगर हम बात करें 3 लाख रुपए की, तो देखिए फ्रेंड्स 3 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं सबसे पहले 7.25% के हिसाब से यानी जर्नल पे, तो आप देखिए आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 3,27,400 रुपए यानी 27,400 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें 7.75% के हिसाब से तो आप देखेंगे 3,29,361 रुपए जो है मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी यानी 29,361 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं जी 5 लाख रुपए की। देखिए अगर आप 5 लाख रुपए केनरा बैंक में इन्वेस्ट करते हैं 444 डे स्पेशल एफडी प्लान में, सबसे पहले जर्नल पे 7.25% के हिसाब से, तो आप देखेंगे आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी 5,45,660 रुपए हो जाएगी, यानी कि 45,660 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। उसी तरह से 7.75% यानी कि सीनियर सिटीजन्स पे अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए 5,48,935 रुपए मैच्योरिटी वैल्यू और 48,935 रुपए ब्याज की राशि हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे 10 लाख रुपए की। देखिए अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं केनरा बैंक में 7.25% के हिसाब से 444 डे स्पेशल एफडी प्लान में, तो आप देखेंगे मैच्योरिटी वैल्यू 10,91,335 रुपए हो जाएगी और 91,335 रुपए के लगभग आपको ब्याज की राशि मिल जाएगी। सो उसी तरह से 7.75% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे 10,97,820 रुपए आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी यानी कि लगभग 97,820 रुपए जो है वो ब्याज की राशि आपको मिल जाएगी। सो लास्ट में हम बात करेंगे 20 लाख रुपए की। अगर आप 20 लाख रुपए बल्क में पैसा लगा देते हैं 7.25% के हिसाब से 444 डे स्पेशल एफडी प्लान में, तो आप देखेंगे 21,82,670 रुपए आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी यानी कि 1,82,670 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो अगर हम बात करें 7.75% के हिसाब से तो आप देखेंगे 21,95,740 रुपए यानी 1,95,740 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अब बहुत से लोग ये होंगे कहेंगे कि अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर TDS यानी टैक्स भी लगेगा, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फिल करते हैं फिर तो आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अगर आप रिटर्न फिल नहीं करते, जब भी आप फिक्स डिपॉजिट करवाएं तो 15G 15H फॉर्म उसी समय सबमिट करवाएं तो आपको TDS नहीं लगेगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना है।